हेलो क्लास नाइन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग ने देख लिया होगा, जिसमें हम लोग ने विलयन की बात की थी। और आज हम लोग विलयन से ही मिलता जुलता एक और मिश्रण की बात करेंगे। विलयन की तरह, बस अंतर क्या है, विलयन जो है वो हमारा एक समांगी मिश्रण होता है और निलंबन। देखिए, दो आज हम लोग मेनली दो टॉपिक्स की यहां बात करेंगे, निलंबन और कोलाइडी विलयन। दो चीज की बात करेंगे, फिर इन तीनों के बीच में विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन, क्योंकि तीन के तीनों कहने में थोड़ा एक ही प्रकार के होते हैं, मतलब होते बनते हैं या इनका जो चीजें होती है वो एक ही प्रकार की होती है, बट थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो हम आज इन तीनों की बात करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोग अपना छपाई वाला कार्यक्रम करिए, जो आप लोग को बहुत पसंद आता है छपाई करना। जल्दी से आप लोग इसको छाप लीजिए पूरा पॉज करके, और अब हम लोग इस पे बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं निलंबन की। विलयन आपने पढ़ा था, विलयन एक प्रकार का कैसा मिश्रण था, समांगी मिश्रण था। पिछले टॉपिक में जो हम लोग ने पढ़ा था विलयन, एकदम आपको पता है प्रॉपरली, विलयन दो चीज का मिलकर बनता था, विलेय और विलायक का। जो कम होता था वो विलेय होता था, जो ज्यादा होता था वो विलायक होता था। इतनी चीज आपको एकदम क्लियर है। आज हम बात कर रहे हैं निलंबन की। तो पहले इसके बारे में जो जो चीजें हम उनकी बात समझा देते हैं, फिर उसके बाद अभी फिलहाल तो आज कंपेयर करना ही है, तो पहले हम केवल निलंबन की बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है निलंबन? तो यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। अगर दो चीजों को मिलाया जाए तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। याद है, दो चीज हमने मिला दिया, मिश्रण बन गया। अगर मिश्रण ऊपर से लेके नीचे तक समान है, मतलब कहीं भी जाए जितने कण ऊपर उतने कण नीचे हैं, वो एकदम बराबरी से बटा है, तो उसे हम क्या बोलते थे? समांगी मिश्रण। और अगर बराबरी से नहीं बटता था तो उसे हम क्या बोलते थे? विषमांगी मिश्रण। ये चीज आपको क्लियर है? तो निलंबन हमारा कैसा मिश्रण है? यह हमारा एक विषमांगी मिश्रण है। क्लियर? इसके जो कण होते हैं, इसके जो कण होते हैं बहुत बड़े होते हैं, मतलब ये जो होते हैं इनकी जो साइज होती है, जो इनका आकार होता है, वो होता है 10^-3 सेंटीमीटर या इससे अधिक, मतलब 10^-3 सेंटीमीटर। यहां पे देखिए छूट गया है, हम भी आप लोग की तरह भुलक्कड़ होते जा रहे हैं, चीजें भूलने लगे हैं। तो 10^-3 सेंटीमीटर या इससे अधिक हो सकता है। परिक्षेपित कण या का मतलब यह होता है कि वहां पर उपस्थित कण, क्योंकि ध्यान आपको यह पता ही होगा कि जब भी हम मिश्रण बनाते हैं तो दो चीज की आवश्यकता होती है। एक चीज होता है जिसको दूसरे चीज में घोला जाता है, विलेय और विलायक की तरह समझ लीजिए, कि विलेय को घोला जाता है। तो यहां पर जो विलेय के कण होंगे, मानने के लिए समझ लीजिए कि जो विलेय के कण होंगे वो बहुत बड़े होंगे, बहुत बड़े होंगे। बहुत बड़े होने का क्या होगा? हम इनको आसानी से आंखों से देख सकते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, नग्न आंखों से। हमें कोई भी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या प्रकाशीय यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसके कारण हम उसको देख सकते हैं, उसको हम लोग प्रॉपरली आंखों से देख सकते हैं बिना किसी चीज की सहायता से। क्लियर है बात? ये कण प्रकाश के कणों को फैला देते हैं। अब देखिए, ये बहुत बड़े होते हैं, तो आप भी जानते हैं प्रकाश जो होता है, अगर सीधी चीजें होती है, साफ चीजें होती है, तो उसके आर पार प्रॉपरली चला जाता है। लेकिन कण बहुत बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है वो अगर प्रकाश उनके आर पार जाने की कोशिश करेगा तो वो बहुत अवरुद्ध उत्पन्न करेंगे, मतलब उनको अपने रास्ते से हटाने का कार्य करेंगे। इसी कारण से प्रकाश के कणों का क्या हो जाता है हमारे वहां पर? फैलाव हो जाता है। क्लियर है बात? आगे बात करें, अब देखिए ये कण भारी होते हैं, तो यहां पे क्या लिखा है? जब इनके कण शांत होते हैं, मतलब वो थोड़ी देर रख दिए जाते हैं, प्रॉपरली नॉर्मली रख दिए जाते हैं, तो क्या होते हैं वो? थोड़ी देर बाद नीचे क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। इसी कारण से निलंबन हमारा कैसा होता है? अस्थायी होता है। देखिए, आप भी जानते हैं कि जब भी कोई भारी चीज यहीं रखी जाती है तो उस भारी चीज पे गुरुत्वीय त्वरण लगता है, हवा पे भी लगता है। देखिए, एक बात आप लोग क्लियरली समझिए, है तो ऐसे फिजिक्स का टॉपिक गुरुत्वाकर्षण का, बट देन ऑल्सो इसको हम लोग यहां भी समझ लेंगे, क्योंकि आपके 9th में
जो फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर अभी आने वाला है फिजिक्स में, वो गुरुत्वाकर्षण है। तो थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल क्यों बना हुआ है, बाकी जगह क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हवा के कण होते हैं वो बंध ही रहते हैं। अब आप कहेंगे सर बंधे हैं क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल तो वो होता है कि हर वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ खींचता है। देखिए वो हवा को खींच रहा है, इट डजंट मीन दैट कि उसको अपने आप आज जमीन पर ही ला कर रखेगा। ठीक है, उस पर बल लगा रहा है, उसको भागने नहीं दे रहा है, बट उसको ना नीचे ला रहा है ना उसको ऊपर ले जा रहा है। तो उसी तरह से यहां पर भी क्या हो रहा है, नीलंबर के कण भारी होते हैं, इस कारण से वो कहां क्या होते हैं बैठ जाते हैं नीचे। उदाहरण के लिए नदी का गंदा पानी, आप लोग बहुत देखते होंगे आपके घर के बाहर नालियां होती, कभी सफाई करें क्या बात करती है सर नाली, हाँ हाँ आप लोग नहीं करते होंगे। चलिए तो नाली के गंदा पानी होता है, अगर आप उसको थोड़ी देर कहीं निकाल के रख दीजिए, नाली गंदा पानी या कोई भी चीज का गंदा पानी लीजिए, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा या नीचे एकत्रित हो जाएगा। उसके अलावा हम कह सकते हैं हवा में धुआं, धुआं जो होता है वो भी थोड़ी देर के लिए ऊपर होता है, लेकिन जैसे उसको रखा जाता है वो भी क्या हो जाता है बैठ जाता है। हवा का धुआं को आप देखे होंगे, जब आप कोई भी चीज जलाते हवा में धुआं कोई भी चीज को आप जलाते हैं तो आप एक चीज देखे होंगे ना कि काला काला सा आपको बड़ा बड़ा दिखता है कि नहीं दिखता है, तो वो भी एक प्रकार का किसका उदाहरण है, नीलंबन का। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, निलंबन इसलिए बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक, बट इसको भी हम लोग देखते चले, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं हम लोग को, हर एक टॉपिक को प्रिसाइजली हम लोग कवर करेंगे। तो अब हम लोग अपने इसी चैप्टर के दूसरे खतरनाक टॉपिक को लेके आ गए हैं। अब आप कहेंगे सर खतरनाक क्यों है? देखिए खतरनाक इसलिए है ये क्योंकि मैं आप लोग को डराना चाहता हूं और आप डरेंगे मुझसे, खतरनाक में बोल रहा तो आप क्या कहेंगे सर खतरनाक बोल दे तो खतरनाक होगा। खुद समझिए, कोई क्या बोलता है उसको क्या पता, कोई कहता है कि आईएएस की परीक्षा बहुत कठिन होती है उसको क्या पता, क्या वो आईएएस है, क्या वो आईएएस बना? आप कोई भी चीज ऐसी नहीं है, अगर आप मेहनत करिए तो उस चीज को आप ना पा सकिए, तो एटलीस्ट ट्राई पहले करिए, बिना ट्राई करे अगर सोच लेंगे कि कठिन है तो हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, कि आप अभी पहले से ही कर सोच लिए, पहले से ही हार मान लिए तो कैसे हो सकता है। तो जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है कोलाइडी विलयन। क्या होता है कोलाइडी विलयन? तो यह भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है आपको पता है, दो चीज मिलाई गई लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक उनका जो सभी भाग है सबके सभी समान नहीं होते, कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकता है, तो यह तो भी क्या है एक तरह का विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, इनके कणों का आकार, अब देखिए इनके कणों का आकार उससे कम है कि ज्यादा है, किससे? निलंबन से। निलंबन के भी कणों का आकार तो कुछ ये था या इससे अधिक, मतलब इससे अधिक मतलब 10^3, 10^2, 10^3, तो इससे तो ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब इसके कण जो कोलाइडी विलयन के कण है ये और छोटे हैं उसकी अपेक्षा में, निलंबन की अपेक्षा में ये क्या है और छोटे हैं, और छोटे हैं। तो जाहिर सी बात कोई सोचने की बात है, जब हमको उनके कण नहीं दिखाई पड़ रहे थे, किनके, निलंबन के कण जब हमको नहीं दिखाई पड़ रहे थे तो क्या इसके कण दिखाई पड़ेंगे? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि ये उससे भी छोटे हैं। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट ये है कि इनके कण का आकार 10^-5 सेंटीमीटर से 10^-7 सेंटीमीटर के बीच है। वही चीज है, मतलब आकार की बात करें, हम कण के आकार की बात करें, जो हम इसके पहले भी बताए थे उसका क्या था, 10^-3 या 4 से अधिक था। ठीक है, कोलाइड के कणों का आकार, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमें यह बता रहा है कि कोलाइड के कण का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जाहिर सी बात है आकार छोटा है तो हमको वो दिखाई नहीं पड़ेगा, बहुत थुद्दू सा कण होगा, बहुत छोटा सा कण होगा। ठीक है, ये थोड़े स्थायी होते हैं और शांत होने पर जल्दी तल पे नहीं होते। जैसे निलंबन का हमने क्या बताया था कि जैसे ही आप निलंबन में हमने एग्जाम्पल कह लिया था, उदाहरण कह लिया था, तो निलंबन में हमने एग्जाम्पल लिया था गंदे पानी का,
गंदा पानी या बालुई पानी या मिट्टी वाला पानी, तो आप देखते ना जब तक उसको आप घुमाते रहिए, जब तक वो चल रहा है, जब तक उसमें कोई मूवमेंट हो रही है, जब तक उसमें कोई गति हो रही है, तब तक वो जो कण है वो ऊपर दिखेंगे और उसके बाद क्या होता था, थोड़ी देर बाद वो बैठ जाता। आप लोग क्या जब भी समरसेबल या हैंडपंप रहता होगा तो आप लोग इस चीज को जानते होंगे, आप लोग इस चीज को देखे होंगे कि शुरुआत में जो पानी आता है वो कैसा आता है, गंदा आता है, और थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर रुका रहेगा रुका रहेगा रुका रहेगा, उसके बाद पानी कैसा हो जाएगा, थोड़ा सफा होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो भी ऊपर के कण होते हैं वो धीमे धीमे क्या होने लगते हैं, तल पे बैठने लगते हैं। तो निलंबन में ये चीज क्या थी, निलंबन में तो बहुत जल्दी बैठ जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, ये उसकी अपेक्षा थोड़ा अधिक स्थायी है, ये उसकी अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा स्थायी है। शांत होने पर या रुक जाने पर कण बैठते हैं तल पे, लेकिन थोड़ा वक्त लेते, जल्दी नहीं बैठते, तुरंत नहीं बैठते। जैसे निलंबन में क्या हुआ, जैसे ही रुके तुरंत बैठ गए, निलंबन में यही हो रहा था ना कि जैसे ही रुके तुरंत बैठ गए। लेकिन हमारे कोलाइड में ये चीज नहीं हो रहा, कोलाइड में थोड़ा टाइम लेगा उस चीज, वो बैठेगा लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। अगली चीज क्या है, पृथक, मतलब देखिए आप भी जानते हैं मिश्रण दो चीजों का मिलकर बनता है, विलेय विलायक। तो हमें हमेशा चीज है कि हम जिस तरह मिलाए उसको हमको अलग करना भी तो आना चाहिए, क्योंकि हमको आज नहीं कल हो सकता कुछ यूज पड़े। तो हम क्या अब यहाँ पे पृथकीकरण की बात कर रहे हैं या पृथक करने की या अलग करने की बात कर रहे हैं, तो इनके कण छानने की विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। मतलब अगर हम सोचें कि छानने विधि से, जैसे आप छन्नी जानते हैं, छन्नी छन्नी लिए कोई चीज उसमें डाले तो पानी नीचे चला गया, बाकी चीज ऊपर रुक गया। लेकिन अगर हम उसको सोचे कि छानने विधि के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात? उदाहरण के लिए हम क्या बात करेंगे, कोहरा, बादल, जली आदि। कोहरा भी इसी तरह होता है, कोहरा जो है तरह क्या है, कोलाइडिंग विलय। क्लियर है बात? जल्दी से नोट करिए, हो गया। अब हम यहां पे एक और चीज की बात करेंगे, मिटाने में बड़ा मेहनत लगता है, हम यहां पे अलग सा टॉपिक है जो हमको कभी मिल सकता है, टिंडल प्रभाव, या इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या होता है ये टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट, क्या होता है समझते हैं। प्रकाश के कणों को मिश्रण के कणों द्वारा, मिश्रण के कणों द्वारा विचलित करने की स्थिति को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब आप भी जानते हैं सभी लोग कि जो प्रकाश होता है सदैव सीधा चलता है। प्रकाश कैसा चलता है हमारा, सीधा चलता है। अब प्रकाश तब तक अपने मार्ग से नहीं विचलित होगा जब तक कोई चीज उसको आके अपने मार्ग से विचलित ना कर दे। तो प्रकाश के कणों को मिश्रित कणों द्वारा विचलित
विचलित या अपनी जगह से हटा देने की इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं विचलन को, प्रकीरण, किरण भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। क्लियर है बात? तो जब कण ज्यादा बड़े होने लगे, जब कण बहुत छोटे हैं, जैसे हम लोग की सामान्य मिश्रण होते थे उनके कण ज्यादातर छोटे होते थे, तो वहां पे जो टिंडल प्रभाव होता था ज्यादा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि कण बहुत छोटे हैं, आराम से रोशनी प्रकाश आर पार हो जाती थी। लेकिन निलंबन और कोलाइड की जो बात करें, यहां पे कण सामान्य मिश्रण की अपेक्षा थोड़े क्या हो गए, बड़े हो गए। बड़े हो गए तो यहां पे क्या होने लगा, प्रकीर्ण होने लगा। यहां पे प्रकीर्ण हमारा क्या होने लगा, होने लगा। ये ध्यान दीजिए, कोलाइड विलयन के जो कण होते हैं वो पर्याप्त होते हैं, चाहिए तो लिख लीजिए, कोलाइड विलयन के कण टिंडल प्रभाव के लिए पर्याप्त होते हैं। क्लियर है? के लिए पर्याप्त होते हैं, मतलब उससे बड़े कण वो भी टिंडल प्रभाव उत्पन्न करेंगे, लेकिन छोटे कण उससे जो है टिंडल कोलाइडिंग विलयन से जो छोटे कण होंगे हमारे वो ये चीज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, जो हमको यहां बात करनी है वो बात करनी है हमें तीनों चीज की, जो अभी हमने लास्ट तीन चीजें पढ़ी है। लास्ट में तीन चीजें क्या क्या पढ़ी है, विलयन, निलंबन और कोलाइड। तो हम तीनों के लिए यहां पे लाइन खींच देते हैं। विलयन ठीक है, यही तीन चीज। क्यों इन तीन चीज के बीच में हम लोग अंतर कर रहे हैं या अंतर बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि तीन के तीनों जो होते हैं लगभग एक ही प्रकार के, लगभग, इसलिए कंफ्यूजन ना हो। इसलिए सबसे पहले पहला पॉइंट क्या होगा, मिश्रण। तो विलयन जो होता है ये कैसा मिश्रण होता है, सामान्य मिश्रण होता है। और बाकी ये दोनों कैसे होते हैं, विषमांगी और ये भी कैसा होता है, विष। क्लियर बात? तो मिश्रण के सबसे पहले हमें क्या बता दिए, प्रकार बता दिए। क्लियर है? दूसरी बात करेंगे कणों का आकार। कणों का आकार, तो देखिए तीन के तीनों में क्या, पहले कणों का आकार लिखते हैं। दस के घात माइनस सात से दस के घात माइनस आठ सेंटीमीटर के बीच,
10 के घात माइनस 5 से 10 के घात माइनस 7 सेंटीमीटर के बीच गोलाई। निलंबन का कितना होता है 10 के घात माइनस 3 से 10 के घात माइनस 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे हमने आकार भी देख लिया। सबसे बड़ा आकार किसका है? सबसे बड़ा आकार हमारा निलंबन का है। आप जानते हैं ना, जब हम घात माइनस में जितना कम होता है उतना बड़ा होता है, प्लस में जितना ज्यादा होता है उतना बड़ा होता है। क्लियर है? तो सबसे बड़ा कण कौन सा होगा? निलंबन का होगा, फिर कोलाइड का होगा, फिर विलयन का होगा। मतलब सबसे छोटा कण किसका होगा? विलयन का, और सबसे बड़ा निलंबन का। अब अगली बात है कणों की दृष्टता। कणों की दृश्यता मतलब ये कैसे दिखाई पड़ते हैं, कैसे होते हैं। तो ये बहुत, मतलब कहीं मिले भी हैं तो विलयन के कण बहुत कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे? ये हमें प्रतीत होंगे पारदर्शी, मतलब हम उसके आर पार आसानी से देख सकेंगे बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई उसके। कोलाइड में क्या होता है? इनको हम बोलेंगे अल्प पारदर्शी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्का सा दिखता है, या कई बार क्या होता है पारदर्शी भी बनते हैं। पारदर्शी तो आप जानते हैं ना, पारदर्शी अल्प पारदर्शी, वह वस्तु जिसके आर पार हम एकदम क्लियरली देख सकें वो कैसा होगा? पारदर्शी होगा। जिसके आर पार हम थोड़ा सा देख सकें, हल्का सा देख सकें, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्प पारदर्शी बोलते हैं। और निलंबन में क्या होता है? निलंबन जो होता है वो हमारा होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब इसके आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखता है, हम उसके आर पार प्रॉपरली नहीं देख सकते। क्लियर है बात? अगला हमारा क्या है? कणों का बैठ जाना। ठीक है, कण क्या हो गया? बैठ गया। तो ये बताइए, विलयन में क्या कभी आपको हमने बताया कि वो कण बैठ जाते हैं? नहीं, कभी भी कण नीचे नहीं बैठते। जो कण है वो कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो, कभी भी वो नीचे नहीं बैठेंगे। कोलाइड में क्या होगा बताइए? कोलाइड के जो होते हैं कण जो होते हैं अपकेंद्रण के कारण नीचे बैठते हैं। अपकेंद्रण क्या होगा आपके मन में क्वेश्चन है, इसको अपने मन में भी थोड़ा सा रखिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रण
प्रचितरण होगा जिसमें हम अपकेंद्रण के बारे में पूरा पढ़ाएंगे। थोड़ा विस्तृत टॉपिक होगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, तो अभी हम अपकेंद्रण के बारे में नहीं बता रहे हैं, बस आप इसको नोट रखिए अपकेंद्रण। अगले लेक्चर में आएगा अपकेंद्रित प्रतिकरण, तो उसमें हम इसके बारे में बहुत प्रॉपरली बात करेंगे, इसलिए उसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसके कण कभी नीचे नहीं बैठते हैं, लेकिन इसके कण अपकेंद्रीकरण द्वारा नीचे बैठ जाते हैं और निलंबन में गुरुत्व के कारण नीचे बैठते हैं। इसी कारण गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। मतलब विलयन में कभी भी कण नीचे नहीं बैठेंगे, कोलाइड में अपकेंद्रण के कारण बैठ जाएंगे, और निलंबन में भी गुरुत्व के कारण ये बैठ जाएंगे। क्लियर है बात, इतना नोट हो गया, सफा करें, अभी गुण खत्म नहीं हुए, अभी तो और है, इसको पॉज करके थोड़ा बैक करके कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रचीकरण। प्रचीकरण मतलब मिश्रण के जो भी अवयव हैं, ये जिन जिन चीजों से मिलकर बने हैं, इनको क्या अलग कर पाना संभव है कि नहीं है। और प्रचीकरण के भी हम दो टॉपिक्स लेंगे यहाँ पे, एक सामान्य विधि द्वारा और एक अति सूक्ष्म निस्पंदन द्वारा। क्यों? क्योंकि कण बहुत जैसे जैसे छोटे हो जाएंगे, जैसे आप लोग देखते हो कि आपके घर में चीजों को जब भी रोटी बनती है तो आप देखते हो आटा को चलने से हल्का सा चाला जाता है। क्यों? क्योंकि कई लोग के घर में चोकर नहीं खाया जाता। वैसे चोकर जो होता है हाई फाइबरस होता है, खाना तो चाहिए, बट कई लोग उसको नहीं खाते हैं, कई लोग उसको नहीं खाते, तो उसको क्या करते हैं, चलना से चाल के उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो वही क्या हो गया है, वह उसको हम क्या बोलेंगे, अलग करना या पृथक करना। तो हम बात करने वाले हैं पृथक्करण की। यहां पे दो टॉपिक होंगे, एक होगा सामान्य पृथक्करण और दूसरा क्या होगा, अति सूक्ष्म निस्पंदन। ठीक है, दोनों विधियां हैं, दोनों विधियों की हम बात करेंगे। दोनों विधियों में किस तरीके से चीजें होंगी इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, पृथक्करण की, विलयन की। विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, तो ना ये सामान्य विधि द्वारा, सामान्य विधि कर लेते हैं, ना ये सामान्य विधि द्वारा अलग होंगे और ना ही ये अति सूक्ष्म निस्पंदन द्वारा अलग होंगे। तो लिख देते हैं, संभव नहीं, और इसमें भी क्या लिख दें, संभव मतलब दो के दोनों विधि द्वारा ये संभव नहीं होंगे। कोलाइड का क्या होगा, कोलाइड के जो कण होते हैं इससे थोड़े बड़े होते हैं, तो सामान्य विधि द्वारा तो संभव नहीं होंगे, लेकिन अति सूक्ष्म निस्पंदन द्वारा वो क्या हो जाएंगे, संभव हो जाएंगे, मतलब उनको पृथक या अलग किया जा सकता है। क्लियर है बात। और फिर बात रही निलंबन, तो जब अति सूक्ष्म विधि द्वारा यह होने लगे तो निलंबन तो उनकी अपेक्षा बहुत बड़ा होता है, निलंबन उनकी अपेक्षा बहुत बड़ा होता है, बड़ा होगा तो तुरंत वो क्या हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और निलंबन क्या है, निलंबन तो बहुत बड़े होते हैं, तो ये संभव, संभव। क्लियर,
अब हम यहां बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक की, आखिरी टॉपिक जो इस मतलब इसका आखिरी टॉपिक। अभी चैप्टर खत्म नहीं, चैप्टर में तो अभी दो लेक्चर्स और हैं, प्रतिकरण अभी करना है हम लोग को, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे विसरण की। विसरण की मतलब देखिए, आप जानते हैं ना कि जो हमारा कोई भी चीज मिश्रण बनता है, मिश्रण जो होते हैं दो अवयव मिलकर बनते हैं, तो यहां पर तीन के तीनों क्या है, विलेय और विलयन मिलकर बन रहा है। तो ये कितनी जल्दी आपस में मिलेंगे, जैसे आप लोग कई बार चीजों को पानी को चीज बोलते हैं तो आप लोग देखते हो ना, होली में जो रंग होता है उसको जैसे डालते हैं तुरंत फैल जाता है, नील डालते हैं तुरंत फैल जाता है, लेकिन चीनी और पानी को मिलाइए तो थोड़ा टाइम लगता है। तो यह मिश्रण क्या है, दो के दोनों के मिलने की कैपेसिटी, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो विलयन के कण होते हैं, अति शीघ्र मिल जाते हैं, मतलब इनमें मिलने की क्षमता सबसे तेज होती है, बस मिलाए से थोड़ी देर में मिल जाते हैं। कोलाइड में क्या होता है, अति मंद गति से अति मंद गति से क्या होते हैं, मतलब मिलते हैं लेकिन थोड़ा धीमी गति से, और निलंबन क्या होता है, बहुत ही मंद गति से, बहुत ही मंद गति से ये आपस में क्या होते हैं, बहुत ही मंद गति से ये मिलते हैं। क्लियर है। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे। नोट्स आप लोग के अब चेक होने का टाइम आ गया, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, आप लोग के नोट्स हमको नहीं मिल रहे हैं, तो आपके नोट्स चेक करने का टाइम आ गया है। नोट्स हमको जल्द से जल्द आप लोग भेजना शुरू करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, नोट्स मिल जाए, कोई दिक्कत हो आप हमको रिस्पॉन्स दीजिए, तभी हमको पता लगेगा क्या सही क्या गलत। कोई दिक्कत है हमें तो हमको भी सुधारना पड़ेगा, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, एनीथिंग एल्स, सो कॉन्टैक्ट ऑन मी, देयर इज कमेंट बॉक्स बिलो द वीडियो। सो आज के लिए फिर हम यहीं पे आपसे फुर्सत चाहेंगे, फिर मिलते हैं, अलविदा।